हाय बच्चों, आज का डिफरेंस है एल्टर एंड एल्टर। ठीक है, दोनों स्पेलिंग में एक जैसे दिख रहे हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बोलने में क्या है, सेम है। ठीक है, क्या फर्क है इसमें? तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, आपको पता होने चाहिए। क्यों? अगर आप सपोज करो किसी एग्जाम में जा रहे हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का स्कूल का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम है, आप कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश ग्रामर के पार्ट में ऐसे सवाल आते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आए, चाहे वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आए। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में ये वाला एल्टर लिखा है AR वाला, तो इसका मीनिंग अलग होगा, और अगर सेंटेंस में ER वाला एल्टर लिखा है तो इसका मीनिंग अलग होगा। अब मीनिंग अलग अलग है दोनों के, तो यानी कि पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों ही वर्ड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया है वो आपसे किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो भी चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें आप सही टिक करके आए, इसलिए मैं ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, अभी वीडियो के एंड में मैं आपको खुद एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि आप कैसे पहचान कर आंसर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो एल्टर है ER वाला, इसका मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव। ठीक है, जैसे मोस्टली आप डेली यूज की लैंग्वेज में बोलते हो, व्हाई यू चेंज्ड योर क्लोथ्स, तुमने अपने कपड़े क्यों बदले। ठीक है, तो उसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाई यू अल्टर योर क्लोथ्स, तुमने अपने कपड़े क्यों बदले। ठीक है, इट मींस ये क्या हुआ, चेंज का सिनोनिम हो गया। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, नथिंग कैन अल्टर माय डिसीजन, यानी कि कोई भी मेरे डिसीजन को, मेरे फैसले को नहीं बदल सकता। ठीक है, अब आप सपोज करिए यही सवाल, यही सेंटेंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया और स्पॉटिंग एरर का ये पार्ट है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आप एरर फाइंड करिए, नथिंग कैन, अब मैं इसको कर देती हूँ AR, नथिंग कैन अल्टर माई डिसीजन। ठीक है, तो देखो सेंटेंस का मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है, क्या कि कोई भी मेरे डिसीजन को नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग अलग होने की वजह से इस एल्टर का मीनिंग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एल्टर है इसका मीनिंग कुछ और है, जो मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, तो आपने तुरंत एरर पकड़ लिया क्या यहाँ पे, जैसे ए पार्ट ये हो गया, बी हो गया, सी और ये डी हो गया। ठीक है, ABCD ऐसे चार ऑप्शन आते हैं, तो फिर आप आसानी से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे एग्जाम में, बी, कि भाई बी पार्ट में क्या है, एरर है, और वो क्या एरर है, स्पेलिंग का एरर है। यहाँ पे क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, ER। ठीक है, अब देखो ये वाला एल्टर TAR वाला, इसका मीनिंग होता है होली टेबल इन अ चर्च। ठीक है, अगर आप कभी चर्च गए हैं तो वहां पे टेबल सजी हुई आपने देखी होगी, जहां पे सामान रखे रहते हैं, जैसे वाइन, कैंडल्स और ब्रेड, यानी कि डेकोरेटिव सामान उस टेबल पे रहता है। यहाँ पे मैंने इमेज शो करी है, आप इमेज देखिए, इस टाइप की टेबल को चर्च में बोला जाता है एल्टर। ओके, तो ये जो ALTER वाला एल्टर है, इसका मीनिंग ही ये होता है, चर्च में होली टेबल, यानी कि चर्च में जो एक पवित्र टेबल होती है उसे एल्टर बोलते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है, ये जो बाउड है इसका मतलब होता है झुकना। तो जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट यानी कि पुजारी, पादरी, चर्च में तो पादरी होते हैं ना, फादर होते हैं, पुजारी नहीं होते, तो फिर भी फादर आप यहां लिख सकते हो, बट मैंने प्रीस्ट लिख दिया है। सो प्रीस्ट क्या कर रहे हैं, जो एल्टर है, जो पवित्र टेबल है चर्च में, उसके आगे नमन कर रहे हैं, उसके आगे अपना शीश झुका रहे हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर में ऐसे प्रणाम करते हैं, वैसे ही ये जो प्रीस्ट है, ये चर्च में जो होली टेबल है उसको ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अगेन वही गलती, अगर ये एग्जाम में सेंटेंस आया होता द प्रीस्ट बोर्ड बिफोर द एल्टर, और यहाँ पे मैं कर दू ER, तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पे स्पॉटिंग एरर बन गया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है, और यहाँ पे ER वाला एल्टर लगने से इसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, इस शब्द का, तो फिर एरर कहां पर है, इसी शब्द में है, इसलिए यहां पर कौन सा एल्टर होना चाहिए, AR वाला।
ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये छोटे छोटे डिफरेंसेस लाती हूँ। और भी डिफरेंसेस मैंने बना रखे हैं वीडियोस, तो आप जो है डिफरेंसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। और आप चाहते हो कि मैं और भी वर्ड्स पर डिफरेंसेस बना कर लाऊं आपके लिए जो आपको नहीं पता है या आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट। और इन चारों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय प्लेलिस्ट, एक बार मेरी प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।